आई 70 साल के बुढ़ऊ बाड़न, 15 साल के लड़की से शादी कैले बा, का कहे नहीं ये ठीक नहीं था। पा। उम्र बा कि एकर कमा गलती बा। के दे लिखोले बा उकर बा हम इधर हमारे के हैं। हाँ हम हमारे वो भसुर हैं। हम भसुर है हाँ भसुर हैं। तो ये दू सब जना करा बहुत देला बंगाल बालो वाले जगह मैं मन अति अमेंदर आए ले गल बड़े आ हम प्रकाश रहे आ संतोष रहे तो ये उम्र में शादी करे के जब यहाँ के मन में लालच रहा तबे ना वो भ्रमित कर देल तो उल पूरा भरमा देल लोग गांव के लोग मर में जा आ गेल कि हमरो बियाह होई भइल नहीं के बियाह रहो हम आते धोखा से काम कर रहे लोग माने रहल बियाह नहीं खेना भाई ना हमार बियाह नहीं खा भाई हमार छोटा भाई के बियाह भइल हम नहीं के केहू नहीं खेलो काहे बियाह ना भइल रहो हम ला के ऊपर हम कनी घास राउर बाबूजी बियाह ना कहनी रहो दोस्तों। अभी अभी जो आपने कुछ वीडियो के पार्ट्स देखे हैं उस पार्ट्स को देख करके सहज ही आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये इस खबर में आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। इस खबर में हम एक जानेंगे कि भला एक 70 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से शादी क्यों कर लेता है। शादी तो हो गई, लेकिन जब शादी हुई उसके बाद जब उस शादी की असली सच्चाई सबके सामने आई तो लोग बहुत चक्का रह गए। यहाँ तक कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति ने भी शादी किया था उस व्यक्ति के भी होश उड़ गए कि आखिर मुझसे एक 17 से 18 साल की लड़की से शादी क्यों करवाया गया था। दोस्तों, बिहार का एक जिला आता है गोपालगंज, और गोपालगंज का एक गाँव आता है खैरा, जो थाना क्षेत्र बैकुंठपुर के अंतर्गत आता है। उस गांव के तीन भाई जिनकी महज उम्र, जिस आदमी की शादी की गई उसकी उम्र 70 साल थी, 70 साल है, उससे एक छोटा भाई और उससे एक बड़ा भाई, यानी वो तीन भाई थे। दो की शादी हो चुकी थी लेकिन इनकी शादी किसी वजह से नहीं हो चुकी थी। चूंकि खबर ताज़ा है तो पूरी अपडेट्स नहीं है, पूरा विवरण हम आपको अगली बुलेटिन में बताएंगे, लेकिन इसमें आप जान जाइए कि इनकी शादी नहीं हुई थी, ये बीच वाले थे। लेकिन गांव के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं कि एक 18 साल की लड़की, खूबसूरत लड़की को दिखा करके इनको पहले बहलाया फुसलाया गया और फिर इनसे जबरन शादी करा दी गई। हालांकि वर्जन में इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं उस बात से अज्ञान था, अनभिज्ञ था कि मेरे साथ ये क्या प्लानिंग की जा रही थी। पहले सोशल मीडिया पर खबर फैली कि 70 साल का बूढ़ा 18 साल की लड़की से शादी कर लिया, खूब चर्चा का विषय बना। सोशल मीडिया पर जैसे वीडियो पोस्ट हुई, वायरल हुई, मीडिया भी इस मामले में इंटरफेयर करने शुरू कर दी। जब पहुंची मीडिया उनके घर और लोगों से बातचीत की, उस बूढ़े से बातचीत की जिसकी शादी हुई थी, तो मामला कुछ और ही निकला। बताया जा रहा है कि उस बच्ची से शादी करा करके पहले कोर्ट मैरिज कराया गया और फिर जालसाजी के तहत उसे बहला फुसला करके, ये भी कहा जा रहा है कि उसे नशे में रख करके 6 कट्ठा ज़मीन को उस लड़की के नाम लिखवा दिया गया है। गांव के कुछ लोग थे, राय परिवार से थे, उन पर आरोप लगे हैं कि उन लोगों ने इस बूढ़े व्यक्ति को बहलाया फुसलाया, शादी कराई और शादी कराने के बाद इनके हिस्से की कुछ ज़मीन, खबर के मुताबिक 6 कट्ठा ज़मीन बताई जा रही है कि उन लोगों ने धोखा के साथ लिखवा लिया है। अब इस मामले में मीडिया ने इंटरफेयर किया है। अब वो मीडिया के सामने वो बूढ़ा व्यक्ति जिसकी शादी हुई थी, वो रो रो कर गुहार लगा रहा है कि मेरी हेल्प की जाए, मेरी मदद की जाए, मेरे मत को मारा गया था इन लोगों ने, कोई उनके अनुसार, उस बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार कि इन्हें कुछ जादू टोना करके उस बच्चे से शादी करवाया गया और फिर मुझसे धोखे में रख करके एक षड्यंत्र के तहत मेरी ज़मीन को लिखवा लिया गया है। हालांकि अभी इस मामले को लेकर के वो लड़की वहाँ पर है नहीं, वो अपने मायके है। सच्चाई क्या है मैंने आपको बताया, और बाकी की सच्चाई क्या, अभी तो ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके घर का ये वर्जन है कि इस तरह के मामले हैं, उन पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन वो बहुत जल्द अपडेट हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि वो लड़की क्या कह रही है और क्या सच्चाई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थोड़ी सी कुछ और अंश और पार्ट आपको सुनाते हैं इस वीडियो के। अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि बिहार में आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो
पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर लीजिएगा। अंदर लालच आ गई कि हमरो बियाह होई भइल नै के बियाह रहो हम आते धोखा से काल कर रहलो का माने रहल बियाह नै खेल भई ना हमार बियाह नै के भइल हमार छोटा भाई के बियाह भइल हम नै के केहू नै खेल काहे बियाह ना भइल रहो हम लाग के ऊपर हम कनी घास और बाबूजी बियाह ना कनी रहो बाप माई लोग को ले रहे तो लालच से नानी जी कह रहे हमार जमीन नानी जाए हम गनी चौड़ा ओकरा बाद लो हम बैठा के बैठा रह लो हम गनी हमें कहल लो जे चलत हार बियाह कहाँ थे हम कनी हम ना दाम बिया कर हमार उम्र नहीं के 60 वर्ष के उम्र भई अभी अगर हम बियाह कर रहे तो कमा खियाई के का गई आ तो ना चल हम करा हम करा ना तो हम करा वह ले गई लड़की कहाँ के रहे कहाँ के ना सामने हमरा के दिखा दहल लो दिखा कर सुंदर है लड़की सुंदर होकर चाहे कुछ ना हम अगर मैंने सामने देखनी तबे ना राजी हो गई नहीं किसानों से शादी हो जाओ अभी ले भइल नहीं के उम्र में शादी हो जाओ हम शादी करे का फिर हम ना रानी हम का जानिए हमरा के दिखा कर हमरा के ठेपा दी बोले वालो हम जमीन के हम हाल नहीं की जाना हम कुछ नहीं जो काहे कहती होता आ तो कुट मारी के होता ओकरा बाद हम कुछ नहीं कह रहे हाँ तार काम होगा।